किसान अंदोलन के चलद बरनाला विखे देश विदेश से पुजे लखा का बेमिसाल इकट्ठ होया है। WTO की बेशक संधि भी हो पर लोकतंत्रक भावनावान की कदर करद अजिंह संधियां रद्द भी की जा सकती ने। इंग्लैंड सरकार ने रेफरेंडम 70% के बहुमत के फैसले मानद यूरोपीयन यूनियन छड़ दिता। अमरीका के नाल व्यापारक संधियों में नैशनल हैल्थ सर्विस आदि के कई मामले सामने आते हैं पर लोकतंत्र की सही अर्थों में पालना करने के ही यह जीवित रह सकता है, नहीं तो तानाशाही हावी हो जाती है। इस इकट्ठ विच अते इस तो पहला भी किसान आगुओं वालों खड़ी फसल को अग लाने के किए गए ऐलान बारे असी सबनों बेनती करना चाहते हैं कि अजिहा सोचा भी ना जाए। किसान लिए फसल औलाद की तरह होंगे हैं, जे क्रांतिकारी ऐलान करना ही है तो मजदूरों को कहो आओ फसल पड़ो तो भुखों का ढिड भरो। इस ना सिर्फ मजदूर किसान एकता मजबूत होगी सगों विश्वव्यापी हमदर्दी से समर्थन मिलेगा। कुछ समा पहला डेयरी फार्म मालिका वालों रोस वजों सड़कों से दुध डोलन समय भी दासा ने यह बेनती की थी। प्रधान सूबा सिंह लिथना सकत्र जनरल सरबजीत सिंह मीत प्रधान परमजीत सिंह सिद्धू चीफ ऑर्गेनाइजर भुपिंदर सिंह जौहल यूथ विंग प्रधान सतेंद्र सिंह मूंगवाल सीमी प्रधान अवतार सिंह खंडा समेत समुची पार्टी वालों बयान जारी करते हुए मीडिया सकत्र जगतार सिंह विरक ने कहा कि इस तो पहला एक किसान आगू ने मुख्यमंत्री तो अस्तीफा दवाने की गल भी कही पर अफसोस के इस समय गैर BJP सूबा सरकार समय की मजबूरी है। केंद्र सरकार तो गवर्नरी राज लागू करके EVM की कृपा न चोणा करवाने के मौके का स्वागत करेगी। किसी ने भी इस विच सहाई नहीं बनना चाहिए। हुण दा सवाल बन चुकी स्थिति में किसान अंदोलन तो जन अंदोलन का रूप धारण कर चुके इस बेमिसाल संघर्ष में हुकूमत हर हीला हरबा वरत के फेल करने में असफल रही है। सबनों बेनती है कि विरोधी बयानबाजी बंद करके हुण तक उस कारण पैदा हुए वखरेव्या पूरा किया जाए। सब का मान सत्कार करते हुए सहयोग का आदान प्रदान करते हुए फतेह तक संघर्ष जारी रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजकम TV। किसान अंदोलन के चलद बरनाला विखे देश विदेश से पुजे लखा का बेमिसाल इकट्ठ होया है। WTO की बेशक संधि भी हो पर लोकतंत्रक भावनावान की कदर करद अजिंह संधियां रद्द भी की जा सकती ने। इंग्लैंड सरकार ने रेफरेंडम 70% के बहुमत के फैसले मानद यूरोपीयन यूनियन छड़ दिता। अमरीका के नाल व्यापारक संधियों में नैशनल हैल्थ सर्विस आदि के कई मामले सामने आते हैं पर लोकतंत्र की सही अर्थों में पालना करने के ही यह जीवित रह सकता है, नहीं तो तानाशाही हावी हो जाती है। इस इकट्ठ विच अते इस तो पहला भी किसान आगुओं वालों खड़ी फसल को अग लाने के किए गए ऐलान बारे असी सबनों बेनती करना चाहते हैं कि अजिहा सोचा भी ना जाए। किसान लिए फसल औलाद की तरह होंदिया हैं, जे क्रांतिकारी ऐलान करना ही है तो मजदूरों को कहो आओ फसल पड़ो तो भुखों का ढिड भरो। इस ना सिर्फ मजदूर किसान एकता मजबूत होगी सगों विश्वव्यापी हमदर्दी से समर्थन मिलेगा। कुछ समा पहला डेयरी फार्म मालिका वालों रोस वजों सड़कों से दुध डोलन समय भी दासा ने यह बेनती की थी। प्रधान सूबा सिंह लिथना सकत्र जनरल सरबजीत सिंह मीत प्रधान परमजीत सिंह सिद्धू चीफ ऑर्गेनाइजर भुपिंदर सिंह जौहल यूथ विंग प्रधान सतेंद्र सिंह मूंगवाल सीमी प्रधान अवतार सिंह खंडा समेत समुची पार्टी वालों बयान जारी करते हुए मीडिया सकत्र जगतार सिंह विरक ने कहा कि इस तो पहला एक किसान आगू ने मुख्यमंत्री तो अस्तीफा दवाने की गल भी कही पर अफसोस के इस समय गैर BJP सूबा सरकार समय की मजबूरी है। केंद्र सरकार तो गवर्नरी राज लागू करके EVM की कृपा न चोणा करवाने के मौके का स्वागत करेगी। किसी ने भी इस विच सहाई नहीं बनना चाहिए। हुण दा सवाल बन चुकी स्थिति में किसान अंदोलन तो जन अंदोलन का रूप धारण कर चुके इस बेमिसाल संघर्ष में हुकूमत हर हीला हरबा वरत के फेल करने में असफल रही है। सबनों बेनती है कि विरोधी बयानबाजी बंद करके हुण तक उस कारण पैदा हुए वखरेव्या पूरा किया जाए। सब का मान सत्कार करते हुए सहयोग का आदान प्रदान करते हुए फतेह तक संघर्ष जारी रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजकम TV।